Hello everyone, good morning to all of you. I hope all of you are doing well at your home. Yesterday we have completed the topic abstract noun of unit 1, and today we will start with our new topic, countable and uncountable nouns. Which topic beta? Worksheet 6 on page number 7, countable and uncountable noun. So students, first of all let's see difference between countable and uncountable noun. See students, countable noun, count जिसे हम जैसे कि heading से ही show हो रहा है, countable, count जिसे हम count कर सकते हैं. We can count some nouns, we call them countable nouns. जिन्हें हम जिन चीजों को हम count कर सकते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, countable noun. These nouns answer the questions how many. ये हमें बताते हैं कि कितना, how many क्या होता है, कितना, कि कितना हमने चीज ली, कितनी है, ठीक है. For example, I ate two bananas. How many bananas बेटा did I eat? Two. तो how many? Two. Count हो गए ना, कितने bananas? Two. She has a few gold coin. उसके पास कुछ गोल्ड कॉइन है, कुछ है, हमने काउंट कर सकते हैं. एंड द सेकेंड वन इज काउंटेबल नाउन हैव प्लूरल और सिंगुलर फॉर्म. ये क्या होते हैं, प्लूरल फॉर्म में भी होते हैं और सिंगुलर फॉर्म में भी होते हैं. फॉर एग्जाम्पल सी स्टूडेंट्स, सेकेंड पॉइंट था काउंटेबल नाउन है प्लूरल और सिंगुलर फॉर्म. तो देखिए बेटा, मान लीजिए आपके पास क्या है, ऑरेंज है, ऑरेंज इज अ countable noun, orange is a countable noun, and in the plural form it became oranges, 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 santra, santre, two oranges, three oranges and many more. So countable noun have plural or singular form. Understand friends? Now second point is uncountable noun. अनकाउंटेबल मतलब जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते. वी कांच काउंट सम नाउन्स, वी कॉल देम अनकाउंटेबल नाउन. दीज नाउन आंसर द क्वेश्चन हाउ मच, इसमें हाउ मच यानी कि जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते. और दीज डू नॉट हैव प्लूरल फॉर्म, इनकी कोई भी प्लूरल फॉर्म नहीं होती. फॉर एग्जाम्पल देर आर सम मिल्क इन द पोट, पोट के अंदर मिल्क है. आप मिल्क को काउंट कर सकते हो बेटा? नहीं, मिल्क को हम काउंट नहीं कर सकते. तो अनकाउंटेबल नाउन जो है उन्हें हम काउंट नहीं कर सकते. अनकाउंटेबल नाउन थिंग्स लाइक वाटर, मिल्क और बटर, लाइक ब्यूटी, वी कैन नॉट काउंट इट. सो दीज नाउन्स डू नॉट हैव प्लूरल फॉर्म. अंडरस्टैंड बेटा? नाउ वी कम टू द वर्कशीट नंबर 6, countable and uncountable noun. In this worksheet we have read many words which name things that can be counted and many that cannot be counted. Read the words in the umbrellas given below, classify them as countable or uncountable noun. Now here is a worksheet and classify different word given in the umbrellas on page number 7 as countable and uncountable noun. Under the heading of countable noun we will write, देखिए बेटा सबसे पहले जिन्हें हम count कर सकते हैं तो क्या है, देखो words दिए गए हैं, suffering, notebook, sickness, tooth, फायर, ब्लैकबोर्ड, डिसिप्लिन, पीटी, पियन, बॉयज. तो काउंटेबल नाउन में हम सबसे पहले देखिए बेटा पियन, पियन को हम काउंट कर सकते हैं तो क्या आएगा, पी ई ओ एन, पियन. एंड नेक्स्ट देखिए बेटा ब्लैकबोर्ड, ब्लैकबोर्ड को हम काउंट कर सकते हैं तो क्या आएगा, बी एल ए सी के, ब्लैक, बी ओ ए आर डी, बोर्ड. द थर्ड वन इज बॉयज, बॉयज को भी हम काउंट कर सकते हैं. एंड द फोर्थ वन इज टूथ, दांत, टूथ को हम काउंट कर सकते हैं.
एंड द लास्ट वन इज बेटा नोटबुक, इन्हें हम काउंट कर सकते हैं, नोट बुक. नाउ सी अनकाउंटेबल नाउन, जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते. द फर्स्ट वन इज सफरिंग, ये हम काउंट नहीं कर सकते. अगर हम किसी चीज़ में सफ़र हो रहे हैं, अब हम कोई भी हमें मुसीबत है, नहीं काउंट कर सकेंगे. ठीक है, नेक्स्ट इज डिसिप्लिन, DISCIPLINE, डिसिप्लिन. द थर्ड वन इज पिटी, दया. द फोर्थ वन इज सिकनेस. एंड द लास्ट इज फायर, क्या आएगा बेटा, फायर. सो वी कैन काउंट दीज थिंग्स एंड वी कैन नॉट काउंट दीज थिंग लाइक सफरिंग, डिसिप्लिन, पीटी, सिकनेस, फायर. सो दिस वर्कशीट इज कंप्लीटेड बेटा. नाउ कम टू द नेक्स्ट वर्कशीट. यस, नेक्स्ट वर्कशीट ऑफ पेज नंबर 9. यहाँ बेटा आपने क्या करना है, देखिए, राइट द आंसर यूजिंग द एपोस्ट्रोफ करेक्टली. फॉर एग्जाम्पल, द ऑनेस्ट सोल्जर विल चेंज इनटू द सोल्जर ऑनेस्टी. देखिए बेटा, यहाँ आपको एग्जाम्पल दिया गया है द ऑनेस्ट सोल्जर, तो इसने इसको किस में चेंज कर दिया, अब देखियो, द सोल्जर्स अपोजिट ऑफ एस, ऑनेस्ट का क्या बना दिया, ऑनेस्टी. ठीक है, इसकी विशेषता है ये. तो अब हम देखते हैं, द फर्स्ट वन इज द इंटेलिजेंट स्टूडेंट, तो अब इसका क्या आ जाएगा बेटा, द स्टूडेंट्स इंटेलिजेंस, क्या बन जाएगा, द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स अपोजिट ऑफ एस इंटेलिजेंस, आई एन टी ई डबल आई आई जी ई एन सी ई. द सेकेंड इज द काइंड फेयरी, द फेयर इज काइंडनेस, द फेयर इज F A I R Y, fairies, opposite of S, kindness. Okay, the third one is the cruel enemy, the enemy is cruelty, the enemies, enemies, cruelty, C R U E L T Y. Fourth one is the popular leader, the leader's popularity, the leader's, the leader's popularity, P O P U L A R I T Y. And the next last is the arrogant boy, the boy's arrogance, the boy's opposite of S, arrogance, A double R O G A N C E. Okay, and the next is मैच वर्ड इन द एड बॉक्स विद द ग्रुप ऑफ वर्ड गिवन बिलो. बेटा आपको ये एड बॉक्स के अंदर वर्ड्स दिए गए हैं, आपने इनके साथ मैच करके राइट करने हैं. द फर्स्ट वन इज मस्टी, फॉल, एरोमेटिक. बेटा ये क्या है, स्मेल की, स्मेल से रिलेटेड है. जैसे जो सीलन वाली स्मेल आती है वो मस्टी, फॉल गंदी स्मेल, एरोमेटिक क्या होती है बेटा, फ्रेगनेंस वाली स्मेल. तो ये किससे रिलेटेड है, स्मेल से. तो फर्स्ट आंसर इज क्या आएगा बेटा, स्मेल, एस एम ई डबल एल. सेकेंड वन इज शोर, बीटर, स्वीट, ये क्या है बेटा, टेस्ट. तो सेकेंड का आंसर क्या आएगा, टेस्ट. एंड द थर्ड वन इज स्मूथ, फ्लैट, मॉइस्ट, ये क्या है बेटा, पोजीशन है कोई भी, जैसे स्मूथ होगी, ठीक है, फ्लैट, मॉइस्ट, टच करने से हमें पता चल जाएगा. ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ, टच, टी ओ यू सी एच. एंड द फोर्थ इज हम, चैटर, विश्वर, ये क्या है, मैसेज के थ्रू बातें करना, तो इसको सुनना किसी चीज़ को. ठीक है, चैटर, तो ये इसका आंसर क्या आएगा, हियरिंग, एच ई ए आर आई एन जी, हियरिंग. एंड द लास्ट वन इज प्रेटी, अट्रैक्टिव, ब्यूटीफुल, ये क्या है बेटा, साइट, एस आई जी एच टी, क्या है, साइट. नाउ टुडे फर्स्ट यूनिट ऑफ नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज कम्प्लीटेड एंड योर होमवर्क इज ऑन पेज नंबर 9 एंड पेज नंबर बेटा 7. यू हैव टू राइट इन योर प्रैक्टिस नोटबुक एंड सो लर्न द ऑल यूनिट 1,
abstract noun and complete your English reader English practice book of first lesson unit 1. Thank you.